उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जोया नगर पंचायत की महिला अधिशासी अधिकारी तनाव में आ गई हैं। उनका आरोप है कि उनके ईमानदारी से कार्य करने पर कुछ लोग परेशान हैं, जिसकी शिकायत करने के लिए वह डीएम के पास पहुंची थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। उनका कहना है कि वह दिमागी तौर पर बहुत परेशान हो चुकी है, वह सो भी नहीं पा रही है। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा से अपनी व्यथा बताने के लिए नगर पंचायत जोया के अधिशासी अधिकारी पहुंची थी। वह अचानक से बेहोश हो गई। उनके बेहोश होने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि वह डीएम से शनिवार को मिलने पहुंची थी, वहां पर वह बेहोश हो गई थी। आज जब हमारी टीम ने उनसे बात करनी चाही तो आज भी उनकी तबीयत बात करते करते बिगड़ गई और उनको महिला थाने के प्रभारी और उनके सहयोगी के द्वारा उनके बिस्तर तक पहुंचाया गया। बता दें कि जोया नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी व कुछ जनप्रतिनिधि उनका उत्पीड़न करने में लगे हैं। जहां वह जाती है वहीं मेरा पीछा किया जाता है। गलत शिकायतें नगर पंचायत के कर्मचारियों से करा रहे हैं। ऐसा सिर्फ जनप्रतिनिधि इसलिए कर रहे हैं कि उनके रहते हुए उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से उनका दिमाग काफी परेशान चल रहा है। 3 दिन पहले दबंगई की हद कर दी, इसके बाद अन्य माध्यम से धमकियां दिलाई जा रही हैं। दिमाग इस कदर परेशान हो गया कि 3 दिन से टेंशनबाजी में वह सो नहीं पाई। शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे जिला अधिकारी से मिलने उनके दफ्तर गई थी ताकि उन्हें पुलिस सुरक्षा मिल सके। उनको पूरी स्थिति से वाकिफ कराते कराते अचानक चक्कर आ गए और वह बेहोश हो गई। अब स्थिति में सुधार है। इस मामले में डीएम ने तुरंत उनको सुरक्षा उपलब्ध करवा दी। आज जब उनसे मिलने के लिए हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने बातचीत के दौरान सारी दास्तां बताई। अपना दुख बताते हुए उनकी हालत बिगड़ने लगी और उनको पुलिसकर्मियों ने बिस्तर तक पहुंचाया, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला फिर से बेहोशी की हालत में आ गई। लेकिन तबीयत बिगड़ने से पहले अपनी दास्तां बताते बताते उन्होंने अपने साथ हो रही पूरी घटना बताई और कहा कि ईमानदारी से काम करने का नतीजा है कि मेरे साथ यह सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब वह तंग आ चुकी हैं और इस पूरे मामले में न्याय मांगने के लिए और सुरक्षा मांगने के लिए डीएम साहब के पास गई थी। देखिए अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। नेताओं से जुड़े हुए हैं, फाइल ही नहीं देते हैं, या तो वो सूचना जो बनाते हैं उस पर साइन कर दें, नहीं करते हैं तो फाइल मांगने पर देख करके करना चाहते हैं तो देते नहीं हैं। रिटायर बाबू कहता है मैंने चार्ज दे दिया है, करेंट बाबू कहता है मैंने चार्ज नहीं लिया है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की फाइल हो मुझे मिलती नहीं, लिख करके आगे लेटर देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इस तरह से सख्ती करती हूँ, चाहती हूँ कि थोड़ा सा जेन्यून पब्लिक के बीच आप पता कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन है कि मैं अमरोहा जो है पैदल दौड़ते हुए गई हूँ, मॉर्निंग वॉक 5 बजे 6 बजे लगातार व्यवस्था को मैं सही करने की कोशिश किया, शायद उसी की ये सज़ा मिल रही है मुझे। और थोड़ा नियम अप्लाई किया और जब इन्हें लगा कि हम सख्ती से काम करेंगे, नियम अप्लाई करेंगे, तो इन्होंने जो है 2-3 महीने बाद से ही मेरे ट्रांसफ़र में लग गए, क्योंकि शासन की पॉलिसी टफ है, शासन कड़ाई से कर रहा है काम, ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। तो इन्होंने लगातार मेरी फर्जी शिकायतें कर करके एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। हमने तब भी कुछ नहीं किया, काम करते रहे, सपोर्ट भी कभी कभी बीच बीच में डीएम सर से मिलते रहे, सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन पूरी बात हम नहीं बता पाए। डीएम सर भी बहुत व्यस्त रहे, हम लेटर लिख करके LVC के जरिए डीएम सर के स्तर पर भेजते रहे। कई बार हम सपोर्ट मांगे, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला। स्थिति ये हो गई कि दबाव बनाते बनाते एकदम टॉर्चर किया जाता रहा, कभी फाइल से पन्ने गायब कर ले जा रहे हैं, कभी मेरी ही कमियां दिखा दी जाती है। और अब तो सिचुएशन ये हो गई कि मुझे हटाने के लिए कुछ लोग परसों भी कर रहे हैं। घर गई थी पापा को, मेरे पापा तबीयत खराब थी, काफ़ी बूढ़े हो गए, तो उनको दिखाने मैदान तक गई। जब वहाँ गई तो लौट के आती हूँ तो पता चलता है कि मुझ पर ऐसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है, जबकि कर्मचारियों के मैं आपको फोटोग्राफ दिखा सकती हूँ, ऐसी ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो मेरे परिवार की फोटोग्राफ दिखाई पड़ेंगी आपको। कोई मेरे दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, कोई मेरे हाथ पकड़ के अपने ऊपर आशीर्वाद ले रहा है। इतना लगाव रखने के बावजूद उसमें से 1-2 कर्मचारियों को लालच दे करके मिला लिया गया और उसके बाद मेरे ऊपर ऐसी एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बोर्ड मीटिंग होती है, चाहती हूँ कि लीगल हो, वहाँ भी मेंबर अपने हिसाब से चलते हैं, कुछ मेंबर सही हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल वो अपनी तानाशाही चलाते हैं।
सब आपका लड़ाई किससे है, लड़ाई आपकी फाइट है जो जिला पंचायत में, जो चेयरमैन नगर पंचायत में है, किस लड़ाई आपकी? एक्चुअली नगर पंचायत में एक दो स्टाफ हैं जो हम मनमानी कर रहे हैं, बाकी छोटे स्टाफ उनको इतनी समझ नहीं है। उनका नाम क्या है, उनके नाम क्या है और कौन नगर पंचायत अध्यक्ष है? और चेयरमैन साहब हैं, महिला हैं, लेकिन बेसिकली वो तो माँ की तरह ही हैं। उनके पति का इन्वॉल्वमेंट, उनके परिवार का इन्वॉल्वमेंट, मेरे ज्वाइनिंग से पहले ऑफिस में शराबबाजी होती थी, मैंने सख्ती करके सब कुछ रोका, इस स्थिति को थोड़ा नॉर्मल किया, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। जाहिद भैया उनके जो हस्बैंड हैं चेयरमैन साहब के, जाहिद हुसैन, थोड़ा सा वो बैक से परेशान कर रहे हैं, पीछे सामने कुछ अपने मेंबर्स को लगा देते हैं और इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। जो आप तक कारण जो ऐसे विवाद आपका किसी बाबू से है ना? विजय प्रसाद एक बाबू भी हैं, जो कभी अभी कमिश्नर साहब का दौरा हुआ था तो उन्होंने फाइल के पन्ने तक फाड़ लेते हैं, कुछ भी मांगो स्पष्टीकरण मांगते हैं, जवाब ही नहीं। किसके पास जाएं, हमारे पास अधिकार है नहीं, हम सस्पेंड नहीं कर सकते, कोई दंड नहीं दे पा रहे हैं, हम लिखने के अलावा क्या करें, लिखते हैं कोई एक्शन नहीं होता, सब लोकल का स्टाफ है। अब आप जो है बेहोश हुई थी डीएम साहब, क्या मामला था? मामला यह है कि हम लगातार परेशान किए जा रहे हैं, रिजान फिजान कर रहे हैं, कोई बात नहीं करें, लेकिन एक दो कर्मचारी जो मेरे साथ भी होते हैं उन्हें भी टॉर्चर किया गया। कल गई थी डीएम सर के पास, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि मेरे पीछा किया जा रहा है, मेरे घर के आसपास भी कुछ लोग आए थे जो सस्पेक्टेड थे। जब मैं डर गई तो फिर मैंने डीएम सर को मैसेज किया कि सर आई एम नॉट सेफ, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। तो डीएम सर भी ने तुरंत बुलाया मुझे, बोले आओ पूरी बात बताओ मुझे, क्या मैटर है। हम बताते रहे, फिर हम वहाँ पे एलवीसी बाबू को भी बुलाया गया डीएम सर ने किसी मैटर में, क्योंकि मुझ पे कुछ एलईडी लाइटों के फर्जी भुगतान के लिए भी दबाव डाला गया था। उस मैटर को मैं बार बार आईजीआरएस पे कम से कम 8-7 बार शिकायत मेरी डाली जा रही है कि मैं भुगतान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे संज्ञान में ऐसा लगा कि ये लाइट आई ही नहीं है और एक पेपर तैयार कर दिया गया है, क्योंकि मैं चार्ज ले चुकी थी और ख़रीदारी हो गई तो मुझे पता क्यों नहीं चला। ये क्वेश्चन उठता है कि भुगतान के लिए मुझे क्यों याद किया गया। फिर डीएम सर को जब बता रही थी तो मैं बता ही रही थी कि सर मेरा लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मैंने कई बातें आपको बताई है, कई आप बिजी होते हैं नहीं बता पाते हैं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भर गई है, मेरा एक्सप्लॉयटेशन लगातार हो रहा है। तो सब उन्हें बता रही थी, उसी समय एक एलवीसी हैं रविराज जी, वो आए। मैंने कहा सर मैं जब कोई लेटर लिख रही हूँ तो ये अपेक्षा करके लिखती हूँ तो कलेक्टर से सपोर्ट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिलता है और आपने जब भी मुझसे मांगा है मैं देता हूँ आपको, तो और काम तो आपको करना पड़ेगा। तुमने कहा सर मेरा काम किसी भी जगह कहीं भी, पूरी बैठा सुनाते क्या वहाँ गिर गए थे क्या? बेहोश हो गए वहाँ पे, करते करते ही अपनी बात बताते बताते, क्योंकि ज़्यादा हो गया था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर डीएम सर ने वहाँ पे महिला पुलिस उपलब्ध कराई, हॉस्पिटल भेज करके वहाँ चेकअप वगैरह कराया, तो उन लोगों ने यही बोला कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से ही हो रहा है, शायद स्ट्रेस ज़्यादा हो गया आपको। अब आपको जो है आराम के लिए बोला गया था? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.